إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين। आज की नशिस्त के चंद एक सवाल हैं जिनमें शब कदर की अहमियत और फजीलत के बारे में आगाही हासिल करना ज़रूरी है। शब कदर क्या है? शब कदर के बारे में अल्लाह ताला ने सूरतुल कदर के अंदर इरशाद फरमाया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। फरमाया कि रमज़ान मुबारक की एक रात है और वो रात, उस रात की इबादत 1000 महीनों से भी ज़्यादा अफजल है। यानी सिर्फ एक रात की इबादत उस रात की जाए जो शब कदर हो, तो अल्लाह ताला को इतनी महबूब है कि फरमाया कि एक शख्स 1000 महीने या उससे भी ज़्यादा इबादत करता रहे, जो हालांकि मुमकिन नहीं है, तो उतना सवाब उसको नहीं मिलता जितना उस रात अकेले इबादत करने से अल्लाह बंदे को सवाब अता कर देता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में भी ये तलाश की जाती रही कि वो रात कौन सी है। नबी अलैहिस्सलाम को सही इलम दे दिया गया था कि ये रात शबे कदर है। नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को बताने के लिए मस्जिद की तरफ जा रहे थे, लेकिन दो मुसलमान आपस में झगड़ा कर रहे थे, तो उस नबी अलैहिस्सलाम ने उनके बीच बचाव कराते कराते अल्लाह ताला ने उस इलम को वापस ले लिया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि अल्लाह ने मुझे बताया था, लेकिन वो इलम अब वापस ले लिया है, कि वो एग्जैक्ट कौन सी रात है इसका अब इलम अल्लाह के पास है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम उस रात को तलाश करो आखिरी अशरे की जो ताक रहते हैं, यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, इन ताक रातों के अंदर फरमाया कि तुम तलाश करो, इनमें कोई एक रात जो है वही लैलतुल कदर होगी। तो जो लोग सिर्फ एक ही रात पे तकिया करके बैठ जाते हैं कि 27वीं रात ही जो है वो शब कदर है, वो उनका ख्याल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस हैं उनसे नहीं मिलता, क्योंकि नबी इस्लाम ने जब ये फरमा दिया है कि तुम तलाश करो, अब वो रात का एग्जैक्ट किसी को इलम नहीं है कि वो कौन सी है, लेकिन इन आखिरी अशरे की ताक रातों में एक रात वो ज़रूर होती है। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि जिसने उस रात इबादत की उसने सारी भलाइयाँ अल्लाह से हासिल कर लीं, और जो शख्स उस रात इबादत से महरूम रहा वो अल्लाह ताला की तरफ से हर खैर से महरूम कर दिया गया। यानी इतनी फजीलत है, और उस रात की फजीलत के बारे में अल्लाह का कुरान मजीद इरशाद फरमाता है कि इतनी तादाद में अल्लाह के फरिश्ते उस रात उतरते हैं ज़मीन पर कि ज़मीन पर मजीद फरिश्तों के पांव रखने की जगह नहीं मिलती। इतनी रहमत के फरिश्ते जिब्राइल के साथ जो है वो उतरते हैं, और सुबह होने तक, फजर होने तक वो ज़मीन पर ही मौजूद रहते हैं। और जो शख्स इबादत कर रहा होता है, अल्लाह उसके पिछले सारी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ कर देता है।